सब लोग थक गए थे इसलिए सबके लिए मैंने मंगवाई है आइसक्रीम। हाय फ्रेंड्स, गाइस फाइनली मैं अभी जा रही हूँ घर में लंच बनाने के लिए। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और एक बहुत अच्छे दिन के साथ आप सबका मेरे चैनल में वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल अभी बजे है दोपहर के राइट 12 बजे है। एंड गाइस, रात को 12 बजे व्लॉग का एंड किया था और सवेरे 12 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, इसीलिए सबको गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण। फिलहाल अभी हो गए हूँ रेडी जाने के लिए वहाँ पे जहाँ पे प्रसादी बनती है। तो आज जा रही हूँ सवेरे एंड वहाँ पे किस तरह से सब थेपले बेलते हैं एंड सो जो भी आगे की प्रोसेस रहती है जो थेपला बनाने की, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड चलते हैं फिलहाल यहाँ से जल्दी जल्दी से, क्योंकि फिर वापस आके मुझे लंच भी बनाना है। तो थोड़ी देर में वहां पे जाऊंगी, वहां के कुछ मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, फिर आके मैं बनाऊंगी लंच। तो चलिए पहले ज्यादा बातें ना करते हुए निकलते हैं घर से। तो लाइट्स को करते हैं ऑफ। तो गाइस, यहाँ पे सब चीजें अंदर बन रही है एंड हम लोग जो जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो सब हम लोग प्योर यूज करते हैं, जैसे कि बेसन, तेल वगैरह, चाहे कितना भी महंगा हो बट हम लोग सब प्योर ही यूज करते हैं। जो सबसे अच्छा हो कि वही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हमें सेलिंग करनी है तो ऐसे ही सेलिंग नहीं करनी है। बहुत सालों से हम लोग ये बना रहे हैं, मुझे तो अभी शादी को 2 ही साल हुए हैं बट ये आई थिंक मेरी सासू मोम थे उसके जमाने से ये सब हो रहा है। यहाँ पे प्रसाद वगैरह हम लोग बनाते हैं एंड सेल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे ये पुराना है तो हम लोग सब चीज़ों को प्योरली इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए फिलहाल आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे थेपले बना दिए हैं एंड अभी भी वो बन ही रहे हैं, तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी अभी बुना जा रहा है, इतने तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बेल भी लिए हैं क्योंकि सवेरे 6 बजे से ये लोग आ जाते हैं। हम लोगों ने थोड़े हेल्पर भी यहाँ पे रखे हैं ताकि वो लोग भी हमारी हेल्प कर सके। तो बस कुछ इस तरह से मेरे पीछे देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी आगे जाती हूँ दिखाती हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं अभी जा रही हूँ घर पे लंच बनाने के लिए। सृष्टि यहाँ पे आ रही है और मैं जा रही हूँ घर पे। हाय सृष्टि, अभी आई हो यहाँ पे? हाँ। खाना खा लिया? खा लिया खाना? नाश्ता कर लिया? मैं तो जा रही हूँ घर पे।
तुम क्या करोगी यहाँ पे? बाय बाय। हे गाइस, तो फाइनली आ गई हूँ घर पे एंड बहुत ज्यादा काम बाकी है आज, तो किचन में भी पूरा काम बाकी है क्योंकि सवेरे सवेरे वहाँ पे चली गई थी तो वहाँ पे 2-3 घंटे मेरे वैसे ही चले गए एंड यहाँ का काम मेरा सब कुछ रह गया है। तो चलिए फिलहाल चलती हूँ किचन में एंड करती हूँ लंच बनाने की तैयारी। अब तो सारा काम बाकी ही है। सो गाइस, फाइनली लंच बनके रेडी है, तो चलिए दिखाती हूँ क्या लंच में क्या बनाया है। एंड पार्थ है निशान यहाँ पे लंच करने बैठ गए है। तो ये खिचड़ी बनके रेडी है मेरी, स्टफ किए हुए ग्रीन चिली की सब्जी, यहाँ पे सलाद रेडी है, इसमें है कच्ची केरी, मछली का रोटला, इसमें है आलू एंड ऑनियन की सब्जी। सब लोग अभी आएंगे तो हम लोग भी लंच करने बैठ जाएंगे। तो चलिए फिलहाल कर लेती हूँ लंच एंड फिर आप लोगों से मिलती हूँ। A few moments later. Hey guys, तो शाम के बजे है 6:05 हुई है एंड गाइस मैं जा रही हूँ वापस से हॉल पे जहाँ पे प्रसादी बन रही है। तो फिलहाल अभी घर से निकल रही हूँ, तो चलिए वहाँ पे अभी सब बेलने का काम भी कंप्लीट हो गया होगा। अभी सिर्फ शाम के टाइम पे जो हम लोग थेपले बनाते हैं उसे सुखाना पड़ता है सुबह से लेकर अब तक, तो थोड़ी देर उसे 2-3 घंटे सूखने देते हैं ना, अभी फ्राई करते हैं। तो फिलहाल अभी मैं वहाँ पे जाऊंगी तो सब लोग फ्राई कर रहे होंगे, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, वहाँ के कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे सारे फैमिली मेम्बर्स वहीं पे है अभी, तो चलिए चलते हैं घर से। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे पहुंच गए हैं, चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ आप लोगों को अंदर का व्यूज। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे सब बेलना तो कंप्लीट हो गया है बट फ्राई करना बाकी है। अभी हम लोग यहाँ से सब ले रहे हैं, वहाँ पे सब फ्राई होना रेडी हो रहा है, तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से फ्राई वहाँ पे हो रहा है एंड बच्चे पूरे सारे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। गाइस, इसमें क्या है? हाय दृष्टि, हाय मिश्री। सो अभी ये क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे सब फ्राई करते करते अभी थेपले बनाते बनाते सब चाय का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे। क्या कर रहे हो? यह सब सारा थेपले को उल्टाना पड़ा है क्योंकि गर्मी की वजह से सारे चिपक गए हैं, इसलिए इसको इस तरह से उल्टा के फिर इसको फ्राई करना पड़ता है। सो इसे उल्टा रहे हैं बैठ के अभी यहाँ पे। तो अभी
दोस्त तो बच ही जाएंगे यहाँ पे ही। यहाँ पे तो सब कंप्लीट होने वाला है अब, और यहाँ का मैं आप लोगों को सारा इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, बट मैं ये नहीं दूंगी इंट्रोडक्शन क्योंकि मुझे तो इतना अनुभव नहीं रहता है। तो यहाँ का इंट्रोडक्शन एंड पूरी डिटेल्स आप लोगों को पीयूष भाई देंगे, जो मेरे जेठ जी है वो। तो चलिए, देती हूँ अब कैमरा उसके हाथ में एंड फाइनली वो आपको यहाँ की सारी डिटेल्स देंगे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं पीयूष जी खोरावा गुजरात पोरबंदर से खारवा समाज से बोल रहा हूँ। ये जो चल रहा है ना प्रसादी, रंगन माता की प्रसादी, शायद मुझे ऐसा पापा कहते थे कि 75 साल तो शायद हो ही गए हैं, 1950 के ऊपर से बना रहे हैं। मेरे दादा जो है वो बना रहे थे, और दादा के तीन लड़के हैं, एक लालजी रतन सिंह कोरावा और प्रेमजी रतन सिंह कोरावा। और प्रेमजी रतन सिंह कोरावा मेरा पापा है, लालजी रतन सिंह मेरा बड़ा पापा है, और एक प्रधान रतन सिंह कोरावा है। तीन लड़के थे उसके, और शायद 1953 से बना रहे थे वो, शायद ऐसा कह रहे थे पापा मेरे कि इतने साल से बना रहे। और कभी भी बाहर से कुछ नहीं किया, सभी कुछ हाथ से ही किया है, हाथ से ही बनाया है। और प्रसादी बहुत अच्छी बनती है, प्योर ओरिजिनल ही हम यूज करते हैं सब कुछ। पहले हम घर पे बनाते थे, और अब तो मेरे पापा के तीन लड़के और एक बहन, मेरे बड़े पापा के दो लड़के और दो बहन, मेरे काका की दो लड़की और दो बहन, सब कुछ इतना साथ, बड़ा फैमिली इतना हो गया है कि अब हमको वारी लेनी पड़ती है। घर पे अब नहीं होता क्योंकि घर इतना सबके एक एक रूम में, लेकिन छोटा पड़ता है अभी काम करने के लिए, इसीलिए वारी लेते हैं हम। और वारी में इतना सब एक वर्ष में हम इकट्ठा होते हैं सब, इतना बड़ा फैमिली हमारा बड़ा है। चलो मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ, हमारे बड़े पापा का लड़का है जो राजेश लाल जी कोरावा, उसकी मुलाकात करवाता हूँ। ये जो है राजेश लाल जी कोरावा है। हाय हाय। अच्छा, ये जो अभी बना रहे हैं वो प्रसादी है, ये तीन दिन से हम बना रहे हैं, और दो पैर से हम ये बना रहे हैं, दो पैर से रात में, रात 10 बजे तक बनाते हैं हम। और ये जो है मेरे काका का लड़का है रोनित प्रधान कोरावा। ये जो है मेरा दूसरा भाई है तेजस प्रेमजी कोरावा, ये अभी बना रहा है, हाँ ये फ्राई कर रहे हैं अच्छी तरह से। ये जो है मेरी भाभी है दीपिका तेजस कोरावा, ये दोनों साथ में ही ऐसे काम कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अभी जो दादा छोड़ के गया तो एंजॉय तो करना चाहिए ना, इसीलिए हम साथ में एंजॉय कर रहे हैं। और ये मेरी दूसरी भाभी है, इससे तो आप पहचानते ही होंगे शायद, हमारा खास मेंबर है ये, नाम नहीं बोलूंगा भी तो चलेगा। रीति हेमल खोरावा, पहचानते हो ना सब? हाँ, ठीक से देख लेना हो। चलो आइए, हम ये बताता हूँ तो, और मैं अपने बुजुर्ग लोग से मिलाता हूँ। जो ये मेरी बड़ी माँ है, इसकी मौजूदगी में ही हम बना रहे हैं क्योंकि अभी मेरे बड़े पापा और मेरे पापा नहीं रहे। एक प्रधान मेरा काका है, वो अभी अहमदाबाद में है, लेकिन उसकी वाइफ को भी मैंने बुलाया है, यानी कि मेरी काकी, और ये है स्पेशली बुलाया है क्योंकि इस ये दोनों की मौजूदगी बगैर हम काम ऐसे अच्छा नहीं कर सकते, इसकी मौजूदगी तो रहनी ही चाहिए। ये मेरी पापा की बड़ी बहन है, मेरी बुआ, ये भी हाजिर रहता है यहाँ पर क्योंकि इसको ही मालूम है कि कैसा बनाना चाहिए। कुछ भी गलत होता है तो तरत ही हमको रुकवाते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करो, ऐसे सीखो, बाद में आपको हम नहीं रहे तो आप कैसे कर सकते थे, इसीलिए हमको ये सब सिखाते हैं। ये मेरी पापा की दूसरी बहन है, वैसे तो मेरे पापा की 6 बहन है, लेकिन अभी तो तीन अभी काम से नहीं रहे, काम से घर पे गई, लेकिन एक मेरी बुआ है वो अभी नहीं रही। और ये मेरी बहन है हेमांगी दीपक सिंधव, ये भी यहाँ मौजूद रहती है, कभी भी कुछ भी गलत हो मेरी ढेर से बड़ी है, इसीलिए ये सब साथ में रहते हैं, इतना बड़ा फैमिली मेम्बर। अभी चलो आपको मैं मिलाता हूँ
वो जो देख रहे हैं ना, अभी हम साथ में ही चले जाते हैं वहाँ पर, चले आइए। और मैं मिला था, वो मेरे बड़े पापा है ना, वो उसकी लड़की से, ये दक्षा मुकेश सिंधव, जो अब मैं मिला था वो मेरी बड़ी भाभी, जो बड़े पापा की लड़के की वाइफ है, जय श्री राजेश कोरावा भाभी। हाय, कैसे हो? वैसे तो ये बहुत पुराना है, हम तो नए जनरेशन में गिने जाते हैं, तो हम भी इंटरेस्ट इतना लेता है लेते हैं हम कि मज़ा आता है। और हमारी वाइफ, सभी भैया की वाइफ ऐसे ही काम में इंटरेस्ट लेती है, और बच्चे हमारे भी बच्चे, मेरे बच्चा, मेरा भाई का, मेरे बड़े पापा के लड़के का, मेरी बहन का, बड़ी बहन का, सभी के लड़के इतने छोटे छोटे हैं, वो भी इंटरेस्ट लेते हैं इस काम में। कि स्कूल पे जाते हैं तो स्कूल पे भी उसके फ्रेंड को कहते हैं कि हम इतने वाड़ी में जाके ये सब बनाते हैं, आपको मालूम है, आपको देखना हो तो आना हमारे यहाँ। और वो भी इतना उसको टीचर को सभी को कह के बुलाते हैं, चलो आओ बच्चों दिखाता हूँ आपको, ये बच्चे हमारे, मेरा बच्चा, लड़की का, बहन का, भैया का, सभी का, चलो चलो चलो। हाय, कैसे हो? मजा आता है ना काम करने में? बहुत मजा आता है ना, अच्छी तरह से। इतना हाथ खराब हुआ है, देखो सभी का हाथ खराब हुआ है, सभी का ये देखो पेड़ का हुआ है, फिर भी काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से मजा आ रहा है। हमेशा आज ये बनाए थे प्रसादी, ये मारा दादा नाम थी बनाए थे, रतन सिंह राधिया खोरावा, जेम के नाम एनु उर्फे अटा कही है, अटा नाम थी ओळखाय आखा खारवा समाज में। अने अमारी फिक्स जगह थे जी रामदेव जी ना मंदिर द्वारा फोड़िया में हमें आनी प्रसादी नो वितरण थाय, अमारे मतलब के वेचीए छे अमे ने, अने बधाय साथे मळीने काम करीए छे। अटा नाम थी अमे ओळखाय, ए अमारा दादा करता एटला वर्ष पहला, पछी मारा पप्पा ने मोटा बापा करता, અને હવે અમે કરીએ છીએ, અને પ્લસ અમારા પછી અમારા બધા છોકરાઓ છે ને એ પણ અત્યારે સાથે કામ કરવા લાગે છે, એટલે એવું એ પણ શીખે છે કે હવે અમે પણ એ કરશું આ, અત્યારે અમે તો ગમે ત્યારે પણ વર્ષમાં એક વર્ષ એવું આવી જાય કે અમે સાથે કરીને કામ જોડાઈ ગયા હોય, ગમે બારગામ હોય અહીંયા હોય, કામ ધંધા મૂકીને પણ આ કામમાં અમે જોડાઈ જઈએ, છેલ્લા એક અઠવાડિયા અમે કામ કરીએ છીએ, અને જ્યારે છેલ્લા લાસ્ટ બે દિવસ હોય ને ત્યારે અમે વિસર્જન વખતે અને એક દિવસ અગાઉથી જયારે જાગરણ હોય ખારવા સમાજમાં રામદેવ માતાજીનું મંદિરનું, ત્યારે અમે રામદેવજીના મંદિરે કોર્નર ઉપર દ્વારા ફરિયામાં અમે આનો અમે સાથે ઊભીને બધી વેચીએ છીએ અહીંયા પ્રસાદી। गाइस तो सब लोग थक गए थे इसलिए सबके लिए मैंने मंगवाई है आइसक्रीम, तो चलिए ले लीजिए सब। मिश्री क्या मिश्री वही गई का ये चली गई ये आज। A few moments later. Hey guys, good evening. तो अभी बजे है रात के 11:30 बजने में 5 मिनट बाकी है गाइस, एंड आ गई हूँ मैं घर पे। वैसे तो मैं 10 बजे आ गई थी, आने के बाद मैं सीधा गई थी किचन में, एंड डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी बिकॉज आज मैंने पाव भाजी बना दी है सब लोगों के लिए। तो अभी तक सब मेरे घर फैमिली मेंबर्स है वहीं पे है, पीयूष भाई है, मलिन, दिवेश को कुछ कोई अभी तक नहीं आया है, तो कोमल भाभी तो है नहीं, तो जब वो आएंगे तब मैं डिनर करने बैठूंगी। तो चलिए फिलहाल अभी आज का व्लॉग एंड करती हूँ क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा मुझे काम बाकी है, अभी तो वो कब आएंगे, डिनर करेंगे, उसके बाद जो डिनर के बाद के काम होता है वो कंप्लीट करूंगी, फिर एडिटिंग पे बैठूंगी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो एंड आज आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आज का व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए देख रहे हैं तो प्लीज वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।